1948 लंदन ओलंपिक्स वेम्बले स्टेडियम। उस वक्त की वर्ल्ड की बेस्ट टीम ब्रिटेन, जिसके कई देश गुलाम थे। हम एक पागल बनना लिए हैं। हम हॉकी से प्यार करते हैं। दूसरी ओर भारत पूरी तरीके से बिखरा हुआ, गरीबी की मार झेल रहा, पूरी तरीके से टूटा हुआ, जिसके खिलाड़ियों के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं। इतिहास में पहली बार हुआ जब आजाद भारत ने ब्रिटेन की सरजमी पर उसी को हराया। पूरा कंट्री में हम अकेला ऐसा आदमी है जो आपको वचन दे सकता है, ऐसा टीम लेके आएगा जो ओलंपिक में जाएगा और आपके सामने, देश का सामने गोल्ड लाके रखेगा, आई प्रॉमिस। और तिरंगा पहली बार ब्रिटेन में फहराया गया। सभी राष्ट्रगान जनगणमन पर खड़े हुए। ऐसे ही हॉकी इस देश की शान नहीं बनी। अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम पे। अभी तक हम लोग ब्रिटिश के लिए खेलते थे, लेकिन अभी इसके लिए खेले। सोचिए क्या नजारा रहा होगा। अभी अभी देश का बंटवारा हुआ है, लाखों लोग मारे गए, घर के पड़ोस में ही लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां हॉकी की प्रैक्टिस की जा रही है, पता नहीं कब लोग हमला कर दें और वो सभी जान से मार दिए जाएं। अभी तो प्लेयर्स के लिए सारी चीजें दी जाती हैं, उस वक्त प्लेयर्स को पहनने के लिए ठीक जूते भी नहीं दिए जा रहे थे। कोई कोई नंगे पैर खेल रहा था। और अभी अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, जिसमें लगभग कहीं ना कहीं सभी देश एक दूसरे से लड़े हैं। पता नहीं कब दोबारा लड़ाई शुरू हो जाए। और इस बीच इंडियन हॉकी टीम को हर देश में जाना पड़ा था खेलने के लिए। ऐसा नहीं लगता वो खेलने के लिए नहीं, युद्ध के लिए जा रहे हो। दूसरे विश्व युद्ध और इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बीच भारतीय खिलाड़ियों ने खेल की लड़ाई लड़ी, उस वक्त के बड़े से बड़े देश को हराया। शुरुआत में ऑस्ट्रिया को 8-0 से हराया, अर्जेंटीना को 9-1 से पीछे छोड़ा, क्वार्टर फाइनल में स्पेन को धूल चटाई, सेमीफाइनल में हॉलैंड को बुरी तरीके से पीछे छोड़ा और फाइनल में दुनिया के राजा ब्रिटेन को 4 गोलों से हराया। भारत की इंडियन हॉकी टीम पहली ऐसी टीम बनी जिसने पूरे वर्ल्ड के लगभग सभी देशों के साथ हॉकी खेला। 1928 से 1956 के बीच लगातार 6 गोल्ड मेडल जीती, 24 बड़े खेलों में हिस्सा लिया, 24 के 24 जीती। हॉकी फेडरेशन की पहली नॉन यूरोपियन मेंबर बनी। गरीबी की मार, वर्ल्ड वॉर का खौफ, बंटवारे के बीच आजाद भारत ने जीता अपना पहला गोल्ड। अभी तक इंडिया चुप था, अब हम लोग बोलेगा और दुनिया सुनेगा।